खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के डुमरी पंचायत के आजाद नगर गांव में हनुमत मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 151 कुमारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। काशी से आए आचार्य विवेक मिश्र ने बताया कि हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वैदिक पूजन, अधिवास, स्नानपन, आहुति, रुद्राभिषेक के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्रद्धालुओं के द्वारा कोसी नदी डुमरी घाट से जल भरकर पांव पैदल चलते हुए पंसलवा 0 माइल रोहियामा गांव होते हुए जय श्री राम, जय बजरंग बली के नारों से गूंजमान हो रहा था। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में ढल गया। सभी श्रद्धालु यज्ञ स्थल आजाद नगर पहुंचे। श्रद्धालुओं के लिए ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह ठंडे पानी एवं शरबत की व्यवस्था की गई थी। वहीं मंदिर कमेटी के द्वारा महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। यज्ञ स्थल पर संध्या से लेकर रामधुनी यज्ञ का 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिले से कलाकार भाग ले रहे हैं। ये बाबा बजरंग बली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई है। ये कलश यात्रा डुमरी घाट से जल भर करके पंसलवा गांव होते हुए, रोहमा होते हुए आजाद नगर जल जग स्थल पर पहुंच गया। 151 कलश के लिए कन्याकुमारी डुमरी घाट से 151 कन्याकुमारी पंसलवा होते हुए, रोहमा होते हुए 0 माइल से या आजाद नगर जगह बजरंग बली स्थल पर आ गए। किस उद्देश्य से यह पौन प्रतिष्ठा बजरंग बली का इसी उद्देश्य में सुबह आय का अलग है। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसमें रामधुनि 48 घंटा का रखा गया है। आपका नाम? हम केसरी मंडलवार से।